नमस्ते एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से एक और नए इंटर्नशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है द नेशनल कमीशन फॉर वोमेन के द्वारा ये इंटर्नशिप है। तो आइए इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, और आप सभी का स्वागत है। सो ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इंटर्नशिप है, और अगर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाए तो नेशनल जो कमीशन फॉर वोमेन है वो जो है उसको ना एक एक्ट जो है 1998 के अंदर में आता है, और उसको इसलिए लाया गया था टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू वोमेन, रिकमेंड रिमेडियल मेजर्स टू रिमूव इम्पीडिमेंट्स इन रियलाइजिंग सच गोल्स, फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वोमेन। और जो कमीशन है वो ऑर्गेनाइज करती है वर्कशॉप, कंसल्टेशन और एक्सपर्ट कमिटीज, स्टडीज अंडरटेक करती है, मेक रिकमेंडेशन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वोमेन, कंडक्ट वर्कशॉप सेमिनार फॉर जेंडर अवेयरनेस एंड टेकिंग अप पब्लिसिटी कैंपेन अवेयरनेस इन द सोसाइटी अगेंस्ट सच सोशल इवेंट्स। तो ये पूरी की पूरी एक तरह से देखा जाए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेनली देखा जाए तो ये वोमेन पे काम करती है, और वोमेन को किस तरह से एम्पावरमेंट करती है उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल्स में जाते हैं। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट में अगर बात करूँ तो इस जो इंटर्नशिप है उसको क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में है अपने LLB कोर्स के, या फिर थर्ड ईयर LLB कोर्स में, या फिर फोर्थ और फिफ्थ ईयर है BA LLB का, और इतने सारे आप देख सकते हैं कि BSc LLB और बहुत सारे इसके टर्म्स हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा, 60 डेज रहेगी, आप 60 डेज के अंदर भी ले सकते हैं, बट नॉर्मल से अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए तो 60 डेज मिनिमम चाहिए। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं दिया गया, स्टाइपेंड 10,000 पर मंथ है। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट इसका चलते रहेगा, आई थिंक आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा वो इंटर्नशिप। ठीक है, और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस और बेसिस पे ये इंटर्नशिप दिया गया है। उस जाने से पहले और इसके डिटेल्स में जाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फेलोशिप्स की जानकारी कोई भी चाहिए, आपने कोई भी फेलोशिप्स के लिए अप्लाई किया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने किस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, और क्या आपको हेल्प चाहिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। GSW फाउंडेशन फेलोशिप अभी अवेलेबल है, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, DDC दिल्ली इंटर्नशिप प्रोग्राम की लास्ट डेट 12 जुलाई है, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें। डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारे दूसरे वेबसाइट पर। दिल्ली एजुकेशन फेलोशिप अवेलेबल है अभी, उसकी लास्ट डेट 11th या 12th जुलाई है, तो आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं अभी। और मेन चीज़ बताऊँ तो गूंज फेलोशिप की और मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, सेवा फेलोशिप का भी मॉक इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो गया। तो किसी ने भी इंटर्नशिप्स के लिए, दोनों इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, उनको मॉक इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ कमेंट पर जो हमारी डिटेल्स हैं आप वहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए हमारी टीम से, या फिर आप जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है अपॉर्चुनिटी, तो स्कीम ए, दो तरह की स्कीम्स हैं। तो फर्स्ट है अनपेड इंटर्नशिप है, उस पर कोई इंटर्नशिप का पैसा नहीं मिलेगा, बट आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये अनपेड इंटर्नशिप होगा एक पीरियड का, नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन से कम होगा, फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ 3 ईयर LLB कोर्स का, अगर फर्स्ट ईयर में है, या फिर थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर स्टूडेंट है 5 ईयर LLB कोर्स की, जो BA LLB कोर्स होता है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका सोशियोलॉजी में और सोशल वर्क के, और आप फर्स्ट ईयर में है, तब आपके लिए एलिजिबल है स्कीम ए के लिए। स्कीम बी क्या है, पेड इंटर्नशिप है फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 डेज से जैसे एक्सटेंड होता है आपका, तब आपको उसके लिए इंटर्नशिप पेड करी जाएगी, और जैसे हमने बताया कितना है, 10,000 पर मंथ है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा एज ए इंटर्न, तो हर एक इंटर्न को है उनको मेंटेन करना पड़ेगा डायरी फॉर वर्क डन बाय देम ऑन ईच डे ऑफ इंटर्नशिप इन द कमीशन, और भी जो भी इंटर्न्स है विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू साइन ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या द डॉक्यूमेंट्स दैट विल कम टू देयर नॉलेज। तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होगा, और सारी चीज़ें चेक करनी होगी कैसे डॉक्यूमेंट्स है, हर एक चीज़ को सही से आपको रखना है कि नहीं, तो उसके बारे में है थोड़ा सा, आप इसकी वेबसाइट पर आकर और डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इस पर ही ये थोड़ा सा डिटेल्स में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी अलग है, इसको हर एक लोग अप्लाई नहीं कर सकता। तो इससे बताया कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है अगर 3 ईयर LLB कोर्स का, वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं जो 5 ईयर LLB कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, मतलब 5 ईयर जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं LLB कोर्स के, वो अप्लाई कर सकते हैं।
तीसरे हैं जो पोस्ट पीजी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में और वो फर्स्ट ईयर में है, और तो वो मिनिमम 60 डेज का इंटर्नशिप कर सकते हैं। और दूसरा जैसे मैंने बताया स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर LLB कोर्स और फोर्थ या फिफ्थ ईयर ऑफ BLLB, BBA, LLB, BSc, LLB कोर्स और सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर इशू, वोमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज़ और स्टूडेंट्स ऑफ LLM, MPhil, PhD, PhD स्कॉलरशिप, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार से वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, मैं आपको वेबसाइट ले जाऊँगा अभी, तो आपको और डिटेल्स में जानकारी हो जाएगी। तो इन लोग एलिजिबल है इस इंटर्नशिप के लिए। स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड बहुत इंफॉर्मेशन ये है स्टाइपेंड का, अगर आप 60 दिन से नीचे 60 डेज इंटर्नशिप्स की आप नीचे रहते हैं, लाइक आपका 60 डेज कंप्लीट नहीं हुआ इंटर्नशिप में, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको। बट जैसे ही आप 60 डेज इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं उसके लिए 10,000 पर मंथ की आपको स्टाइपेंड दी जाएगी। कैसे अप्लाई करें? जो स्टूडेंट डिजायरस हैं इस चीज़ के लिए NSDW के साथ काम करें, नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन के साथ काम करने के लिए, उनको अपना अपलोड करना पड़ेगा अप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब, जो भी इनका फॉर्मेट है वैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे ऑथराइज साइन भी चाहिए, मे ऑल्सो भी अपलोडेड। और आपको इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर करने के लिए ऑफिशियल आपको वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, आपको लिंक जो है सारी लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सीधा वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सेलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, मैंने आज इसको ऐड किया है, आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट स्कीम है, ये है स्कीम ए में जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, लाइक सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग, जैसे आप उस सेम एलिजिबल सब्जेक्ट से आते हैं और आप जैसे ही पहले अप्लाई कर देते हैं और आपकी एलिजिबल है उस चीज़ के लिए, तो आपको आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। स्कीम बी के लिए है 50% वेटेज है, परसेंटेज है, आपको लास्ट 2 ईयर्स में 50% से ऊपर आपके मार्क्स चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस आपको होना चाहिए, आपको वो अपलोड करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। काफ़ी लोग जो है ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए उनको प्रॉब्लम होती है कि कैसे लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग कोई वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट है, हमें पता चल जाएगा, तो फिर कुछ दिन में हम लोग उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बातें थी, अब हम लोग आगे इस और जानने के लिए चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे इनको सारी डिटेल्स दी गई हैं। सेकंड ये तो है इनकी अंतः शिक्षुता कार्यक्रम, तो ये इसका इंटर्नशिप प्रोग्राम ये दिया हुआ है जहाँ पे जैसे डिटेल्स दी गई है सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थी ये मेनली इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया था, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्कीम ए है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, स्कीम बी है 50% वेटेज आपके लास्ट 2 ईयर को मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, और मेनली अगर देखा जाए तो 60 डेज के से ज़्यादा होता है तब स्टाइपेंड मिलेगा, 60 डेज से नीचे है तो कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको। कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट 31st December 2022 है, तो उसके पहले ही करिएगा, आई थिंक अक्टूबर तक कर लीजिएगा, तभी 2 मंथ का काउंट होगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, 60 डेज का कंप्लीट ही नहीं होगा आपका, ठीक है, या फिर नवंबर में करिएगा तो 1 मंथ का आप कर पाइएगा। तो यहाँ पे है आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है, तो उसके बाद जो है आपका ये विंडो खुल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र आईडी डालना है आपको, री एंटर करना है, पासवर्ड करना है, सीक्रेट क्वेश्चन डालना है, ठीक है, ये आपका कौन सा फेवरेट पेट नेम है, मदर मेडन नेम क्या है आपका आंसर, फिर यहाँ पे सबमिट करिएगा तो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर आगे का फॉर्म फिलअप प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों की जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ वीडियो बनने के लिए। इंटर्नशिप्स के लिए भी आपको सही में ये इन्फॉर्मेशन लगता है वीडियो कि हम आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले फेलोशिप्स की बताती थी, तब प्लीज़ कमेंट करिएगा कि और भी इंटर्नशिप चाहिए या फिर किस तरह के इंटर्नशिप्स आप देख रहे हैं, ठीक है। और कोई भी डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट है, आप इसकी भी डिटेल्स से चेक कर लीजिएगा, लिंकट्री स्टेप अहेड इंडिया पे, यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको, ओके। और कोई भी क्वेरी के लिए आप पिंगस हम लोग आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए या फिर पिंग कर दीजिए हमें हमारी व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूँ कि आप ज़रूर कोई ना कोई इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो जाओ या फिर फेलोशिप में सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ग्रेट डे है इट। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, फिर से बता दे रहा हूँ कि मॉक इंटरव्यू प्लान्ड है गूंज फेलोशिप के और सिवा फेलोशिप के, किसी ने भी अप्लाई किया है प्लीज़ जाओ, जाके इस पे वेबसाइट पर क्लिक करो और अपना रजिस्टर करो, मॉक इंटरव्यू हम लोग प्लान करने वाले हैं, और जाके अपना मॉक दीजिए, तो देखिए कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, सारे फीडबैक्स दीजिए मेंटर्स के द्वारा। और यहीं के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।